नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं के पहले वीडियो में मैंने आपको गुफा संख्या 1 से गुफा संख्या 12 के बारे में बताया था। ये सारी ही गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित थी। गुफा संख्या 13 से लगाकर गुफा संख्या 29 तक हिंदू धर्म को समर्पित गुफाएं हैं। इनमें से गुफा संख्या 16 बहुत विशेष है, क्योंकि इस गुफा में विशालकाय कैलासा मंदिर बना हुआ है। मैं अपने इस वीडियो में कैलासा मंदिर को कवर करने वाला हूं और कैलासा मंदिर की एक एक खूबी को आपको बताने वाला हूं। अभी हम एक चट्टान पर चढ़ रहे हैं, जहां से आपको कैलासा मंदिर का पूरा व्यू नज़र आएगा। इस चट्टान पर चढ़कर मैं आपको कैलासा मंदिर के बाहर का व्यू दिखाऊंगा। उसके बाद हम मंदिर के अंदर चलेंगे और अंदर की वास्तुकला को निहारेंगे। 757 ईस्वी से 783 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट वंश के शासक नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर 276 फुट लंबा और 154 फीट चौड़ा है। यह मंदिर मोनोलिथिक प्रकार का है, यानी एक ही चट्टान को काटकर इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे और बाहर से अंदर की तरफ किया गया है। मंदिर निर्माण में चट्टान से लगभग 40,000 टन पत्थरों को अलग किया गया है। यह मंदिर महादेव को समर्पित है और राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कहा जाता है दोस्तों कि केवल इस मंदिर के निर्माण की प्लानिंग के लिए लगभग 23 वर्ष का समय लिया गया था। शिवलिंग के सामने नंदी की विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है। उसके दोनों ओर विशालकाय हाथियों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। साथ में ही दोनों तरफ स्तंभों का निर्माण किया गया है। माना जाता है दोस्तों, इन दोनों स्तंभों का निर्माण ध्वजारोहण हेतु किया गया होगा। मंदिर के ऊपर चार शेरों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जो एक गोलाई में बनी हैं। मंदिर में शिखर, कलश, गवाक्ष, आंगन एक विस्तृत योजना के आधार पर बने हुए हैं। मंदिर के दक्षिण द्वार पर रामायण और उत्तर द्वार पर महाभारत उकेरी हुई है। हो सकता है कि इसके पीछे सोच रही हो कि रामायण से संबंधित श्रीलंका दक्षिण में और महाभारत से संबंधित कुरुक्षेत्र उत्तर में है। मूर्तियों की भांति ही पूरे मंदिर को ही एक चट्टान से तराश कर मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। इस मंदिर के निर्माण के लिए मूल चट्टान से एक भाग को अलग करके धीरे धीरे छेनी हथौड़े की सहायता से ऊपर से नीचे की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ 90 फुट मंदिर को गढ़ा गया है। मंदिर के बाहर और अंदर जगह जगह यह मंदिर मूर्तियों से अलंकृत है। मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण तो है ही,
इस मंदिर निर्माण में लगे कारीगरों की धैर्य शक्ति का भी परिचय देता है। ये चट्टाने दक्कन ट्रैप की सह्याद्री पहाड़ियों का हिस्सा है। ज्वालामुखी के लावा के पिघलने से बनने वाली ये चट्टाने बेसाल्ट की है और प्राचीन भारतीय वास्तुकारों को इन चट्टानों में मूर्ति गढ़ने का अच्छा अनुभव था। आसपास के क्षेत्र से उभरी हुई ये चट्टाने विशेष रूप से मोनोलिथिक रचना के लिए उस समय चुनी गई। एलोरा की गुफाओं के पास में ही द्वादश ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव के मंदिर में और बीवी के मकबरे के निर्माण में भी यहाँ के चट्टानों के पत्थरों का उपयोग हुआ है। कई शिलालेखों में इस मंदिर की इतनी अधिक प्रशंसा की गई है कि कहा गया है कि वास्तुकारों ने नहीं, स्वयं भगवान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, इसीलिए इसे स्वयंभू कहा जाता है। एक शिलालेख में इस मंदिर को गढ़ने वाले वास्तुकार कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने इस मंदिर का निर्माण कैसे किया है। एलोरा की ये गुफाएं व्यापार मार्ग में होने के बावजूद भी इनकी कभी उपेक्षा नहीं हुई। 19वीं सदी के आसपास इस क्षेत्र पर होलकरों का शासन हो जाने के बाद अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य भी करवाया गया है। बाद में हैदराबाद के निजामों के सहयोग से भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को संभालने का जिम्मा उठाया। 1983 में यूनेस्को की धरोहर सूची में 1983 में यूनेस्को की धरोहर सूची में इन गुफाओं के शामिल किए जाने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक इन गुफाओं को और इस कैलासा मंदिर को देखने के लिए आने लगे। मंदिर के मुख्य परिसर में शिखर के नीचे एक शिवलिंग कैलासा मंदिर में विराजित है और खास बात दोस्तों ये है कि इस शिवलिंग के बिल्कुल सीध में द्वादश ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। इस निर्माण के पीछे वास्तुकारों की क्या सोच रही होगी, यह भी एक अचरज का विषय है। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं में स्थित गुफा संख्या 16 का ये कैलासा मंदिर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।